सिक्किम के जो होम डिपार्टमेंट ने कल एक नोटिफिकेशन जारी करके गवर्नमेंट व्हीकल और प्राइवेट व्हीकल में ऑडिबन लागू करने की बात कही है, एज ए गवर्नमेंट ड्राइवर एसोसिएशन के रूप में आप लोग इसको कैसे देखते हैं? जो भी निर्णय गवर्नमेंट की तरफ से लिया जा रहा है इसको हम तय दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि टाइम जो समय है वो सबसे प्रीशियस चीज़ है। जाम में बैठ बैठ के, ट्रैफिक जाम में बैठ बैठ के इतना समय बर्बाद हो रहा है। सिक्किमीज़ जितने भी सिक्किमीज़ है, जितने भी ऑफिशियल है, हर एक चीज़ का, ड्राइवर से लेके सबका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसी टाइम को मैनेज करने के लिए जो भी निर्णय गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया उनको हम दिल से स्वागत करते हैं। तो इससे जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऊपर के ऑफिसर को बोला गया है तो उन लोगों को भी तकलीफ नहीं होगा इससे? मेरे हिसाब से तो उतना तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। जितना भी गाड़ी गवर्नमेंट का गाड़ी है, जितना भी है वो लोग तो मतलब वो जितना भी जॉइंट एंड एबोव जितना भी गाड़ी है, ज्यादातर जॉइंट एंड एबोव ही गाड़ी है। और जब इन लागू नहीं होने से कितना जाम में आप लोग फंस रहे हैं, कितना टाइम लगता है आप लोगों को? मान लीजिए कि पाकिम डिस्ट्रिक्ट से रानीपुल तक आने में 20 मिनट का टाइम मान लीजिए, आप सबको 20 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन जब रानीपुल हम पहुँचते हैं, जैसे रानीपुल पहुँचते वहाँ से ऊपर गेंटोक आने में आपको सेक्रेटेरिएट तक पहुँचने में 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। देखिए पर डे इतना वेस्ट हो रहा है आने में और जाने में। रानीपुल जाने में भी, जब ऑफिस छुट्टी होता है तो जाने में भी 1 से 1.5 घंटा बर्बाद हो रहा है, 20 मिनट के बदले में 1.5 घंटा से 2 घंटा भी लग रहा है कभी कभी।